गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह SIC में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9th में आज संस्कृत से द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, सदाचार। सदाचार हमने होता है उत्तम आचरण। आइए इनका अध्ययन करते हैं। सताम सज्जनानाम आचार सदाचार, ये जना सद एव विचारंती सद एव आचरंती च ते एव सज्जना भवन्ति। सज्जना तथा यथा आचरन्ति यथैव आचरणं सदाचारः भवति। सदाचारेणैव सज्जना स्वकीयानि इन्द्राणि वशीकृत्वा सर्वेषः शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। विनयहि मनुष्याणां भूषणं, विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयः सदाचारात् उद्भवति। सदाचारात् न केवलं विषय विनयः अपितु विविधा अन्येपि सद्गुणाः विकसन्ति, यथा धैर्यं दाक्षिण्यं संयम आत्मविश्वासः निर्भीकता। अस्माकं भारतभूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारे देव आसीत्। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वं स्वं चरित्रं भारतवर्षस्य सदाचार परायणात् जनान् शिक्षरेण। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, एतेषां महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीयः। सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम् इन्द्रिय संयमः आचार। सदाचारस्य मूले तिष्ठति इन्द्रिय संयमः, युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्रावबोधेन च संभवति। किं युक्तं किं अयुक्तं इति सदाचारेणैव निर्णेतु शक्यते। एकेपि पुरुषा महान्तः अभवन्ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिं गता। यः जनः नियमेन अधीते यथा संयम सेते जाग्रति खादति पिबति च सः निश्चयेन अभ्युदं गच्छति। सदाचारस्य महिमा शास्त्रे तु अपि वर्णिता। सर्वरक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानुर्नयूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। आचारालभते युवाचारालभते श्रियम् आचारालभते कीर्तिम् आचारः परम धनम्। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः। महाभारते अपि सत्यम् एव उक्तम् यतस्माभिस्ताचित्तस्य रक्षां कार्यं धनं तुम् आयाति याति च चरित्रम् यदि नष्टम् स्यात् तर्हि सर्वविनष्टम् भवति। वित्तम् व्यत्तेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्त क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः। आइए इसका हिंदी अनुवाद का अध्ययन करते हैं। हिंदी अनुवाद इसे संस्कृत से हिंदी अनुवाद करते हैं। सताम एक एक शब्द का आप कृष्ट निवारण करते जाएंगे। सताम सज्जना नाम आचार सदाचार। सताम सज्जना नाम मने सज्जनों का, आचार मने आचरण, सदाचार सदाचार मने सज्जनों का, सताम मने सताम मने सज्जन लोगों का, सताम मने सज्जनों का, सताम सज्जना नाम आचार सदाचार यानी सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सदैव विचारंती सदैव आचरंती, जो मनुष्य अच्छा विचार करते हैं और अच्छा ही बोलते हैं यानी अच्छा आचरण करते हैं, ते वे एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। ते वे एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणम् सदाचारः भवति। सज्जन जिस प्रकार का आचरण करते हैं, यथा आचरन्ति तथैव आचरणम् सदाचारः भवति, जिस प्रकार का वो आचरण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं वही सदाचार होता है। सदाचारेण सज्जना स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेषः शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से सज्जन पुरुष, सज्जन मनुष्य अपने कृत्यों द्वारा अपने इंद्रियों को अपने स्वयं के वश में करते हैं और सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं।
विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनयशील जना सर्वेशाम जनानाम प्रिय भवति। विनयशील मनुष्य, विनयशील जना सर्वेशाम जनानाम प्रिय भवति, मैंने विनयशील मनुष्य सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात उद्भवति, और विनय सदाचार से ही उत्पन्न होता है। सदाचारात न केवलम विनय, सदाचार से न केवल विनय अपितु विविधा अनेक अन्य भी सदगुणा विकसंती, अपितु विभिन्न अन्य सदगुणों का भी विकास होता है। जैसे यथा धैर्य मानी धीरता, दक्षिणम मानी दक्षता, संयम आत्मविश्वास, और निर्भीकता मानी निडर निडरता, इस प्रकार के गुणों का विकास होता है। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगदीशाचार्य देव आसीत, हमारे भारत भूमि में, अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा माने हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा इस धरती पर सदाचारा देव आसीत में बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही है। पृथिव्याम सर्व मानवा, पृथ्वी पर सभी मानव स्वयं 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 चरित्रम, अपने अपने चरित्र से भारत भारतस्य सदाचार परायणात जनान शिक्षरेन, भारतस्य भारत के लिए सदाचार परायण का शिक्षा दिए हैं। भारत भूमि अनेक येषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणां आचार अनुकरणीय, ऐसे महापुरुषों का आचरण ही अनुकरणीय है। एकेऽपि पुरुषाः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारिणैव उन्नतिं गताः, जो भी पुरुष महान हुए हैं ये अपने संयम और सदाचार से ही उन्नति को गए हैं, यानी उन्नति को प्राप्त किए हैं। यह जन नियमेन अधीते, ये लोग नियम से अध्ययन करते, यथा समयम सेते समय, यथा समय से सोते, जागृत निजागते, खादति पिबति च, और खाते पीते, सह निश्चयेन अभ्युदम गच्छति, उनका निश्चय ही उत्थान होता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। सर्वलक्षणहीनोपि यः सदाचारवान नरः, सर्वलक्षणहीनोपि यः सदाचारवान नरः, श्रद्धालुर्नयुष्यश्च शतं वर्षाणि जीवति, अरे सब लक्षणों से रहित होने पर भी, सर्वलक्षणहीनोपि यानी सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो पुरुष सदाचारी श्रद्धालु एवं निंदा रहित होता है, श्रद्धालु एवं निंदा रहित होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचार लभते शतम वर्षाणि जीवति, शतम वर्षाणि जीवति, कहा है कि आचार लभते ह्यु आचार लभते श्रियम आचार आल लभते कीर्तिम आचार परम धनम, ने आचरण से ही सदाचार से ही मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता है। सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त करता है, सदाचार से कीर्तिम श्रियम यानी लक्ष्मी प्राप्त करता है, और सदाचार से ही यश प्राप्त करता है। सदाचार से ही कीर्तिम यश, सदाचार से ही यश प्राप्त करता है, और यश सदाचार से यश लाभ प्राप्त करता है। आचार परम धनम, इसलिए सदाचार ही श्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय, इसलिए सदाचार की सदैव रक्षा करनी चाहिए। महाभारतेपि सत्यम उक्तम, महाभारत में भी सत्य ही यह उक्ति है। यत अस्माभिः यथा सदाचरितस्य रक्षाम कार्यम कार्यम, इसलिए हमें भी सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयात याति च, धन आता है जाता है, चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तहि सर्वविनष्टम् भवति, लेकिन यदि चरित्र का नाश होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।
महाभारत में ऐसा कहा भी गया है कि वित्तम यत्तेन संरक्षेत वित्त मायात याति च, और भी अक्षीणो वित्त क्षीणो वित्त वित्त हस्तु हतो हतो, अर्थात धन आता है वित्तम वित्तम यत्तेन संरक्षण, मानी वित्त आचरण का, श्रेष्ठ आचरण का यत्न पूर्वक उसको संरक्षक संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि धन आता है और चला जाता है। वित्त मायाति आयात याति च, आता है और जाता है, लेकिन अछीणो वित्त छीणो, लेकिन जो आचरण है यदि उसका नाश होता है, वित्तस्तु हतो हत, तो उस आचरण के शिष्ट आचरण का नाश करने के साथ ही साथ समूल नाश हो जाता है। इस प्रकार से आपने द्वितीय अध्याय का पूरा आपने अध्ययन किया, जिसमें आप काठिन्य निवारण किए, साथ ही साथ दो वीडियो में पूरे पद का आपने पूरे अध्याय का अध्ययन किया। ओके, थैंक यू।